को सिखाया, मैं वो ही। और बहुत सारी ऐसी बातें रहेंगी आज के सेशन में जिनके माध्यम से आप अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकते हो और लक्ष्य को आसानी से टारगेट कर सकते हो, है ना। तो स्टार्टिंग करते हैं। तो पहले तो आप सभी का स्वागत है, वेलकम टू ऑल इंडिया चैंपियंस, जो भी भारत के कोने कोने से लीडर्स हैं जिन्होंने समय निकाला है और अपने इस सेशन को अटेंड करते हैं कर रहे हैं, उन सभी का स्वागत है। तो वाई शेप्स ऑफ, है ना। तो आज का पॉइंट है क्या और कैसे क्यों, है ना। वाई क्यों करें, शेप्स ऑफ क्यों करें, शेप्स ऑफ ही क्यों करें, है ना। शेप्स ऑफ से क्या हो सकता है, क्या हमें मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो मैं आपको स्टार्टिंग करता हूँ। तो पहले स्वागत है आप सभी का, पूरे भारत के कोने कोने से हमारे चैंपियंस का। उसके बाद थैंक्स टू ऑल, भगवान को शुक्रिया जिन्होंने एक सदू दे दी, इस बिजनेस को ज्वाइन किया, और अपने पेरेंट्स को जिन्होंने सपोर्ट किया इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए। उसके बाद मेंटर्स का, जिन्होंने यहाँ पे हाथ पकड़ के यहाँ तक पहुंचाया, हर कंडीशन में सपोर्ट किया। कंपनी का, ऐसा होता है कि बहुत सारे लीडर्स ज्वाइन तो करते हैं ना, कंपनी के साथ ज्वाइन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरा मेहनत भी करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा कंपनी नहीं मिल पाती जो लगातार, कहीं कंपनी गायब हो जाती है, कभी लीडर ही गायब हो जाते हैं। तो हमारे पास दोनों ही चीजें मजबूत है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। तो लर्निंग अच्छा है, क्योंकि मैंने बहुत सारी कंपनियों में देखा है कि कंपनियां आती हैं चली जाती हैं, लर्निंग सिस्टम नहीं होता, लीडरों में ही ऐसा नॉलेज नहीं होती, तो वो टीम को कहाँ से टिका पाएंगे। उसके बाद ऑल ऑल इंडिया टाइगर टीम्स, हमारी पूरी इंडिया की टाइगर टीम जो कि पूरे भारत में हमारे साथ लगी हुई है और दमदारी से ग्रो कर रही है और आने वाले भविष्य में बहुत सारे डायमंड्स और क्राउन बनाने वाली है। तो आप सभी का शुक्रिया। मेन चीज क्या है कि थोड़ा मैं भी बता देता हूँ अपने बारे में, मैं किसान परिवार से हूँ, नाम सुरेंद्र राणा है, मेरा इंटरेस्ट टीचिंग में था, तो मैंने सोचा कि टीचर बनना है, कभी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में अच्छा सेक्टर होता है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, पीजी डिप्लोमा कंप्लीट किया, और करने के बाद बीएड किया। सारी डिग्रियां लेने के बाद होता क्या है कि आदमी सोचता है कि कहीं ना कहीं अपना जॉब करे, और जॉब नहीं करे तो आदमी सोचता है अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर ले। तो मैंने कोचिंग और कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ओपन कर लिया, और दोनों इंस्टीट्यूट ओपन करने के बाद लक्ष्य एक ही था कि पैसा मिले, समय मिले, सम्मान मिले, ये सारी चीजें मिलने के लिए मैंने काम किया, लगातार काम किया, कई सालों तक काम किया है। उसके बाद अच्छी सफलता भी ली, लेकिन मेन चीज क्या है कि कहीं ना कहीं हम कंटिन्यू काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि जब लगातार हम जॉब करते हैं तो हमें कुछ चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो हम लोग मेहनत तो करते हैं, अपने क्षेत्र में मेहनत करते हैं, हमें अचीवमेंट भी मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन की थोड़ी सी कमी रहती है। तो यहाँ पे मेरे को ग्रेट मेंटर्स हैं हमारे, इनके माध्यम से मुझे इस चीज को मौका मिला, माधुरी जसवीर सर, विजयपाल सर, माधव सर, नरसिंह अग्रवाल सर, इनके गाइडलाइन मिला। सबसे ज्यादा आशीर्वाद मिला ओमी सर और नितिन गुरु जी का, ये जोड़ी है जिनके साथ मैं लगातार काम कर रहा हूँ और लगातार काम करूंगा जब तक रहूंगा, और वो सफलता का मुकाम अभी तक डायमंड अचीव किया है, टीम में डायमंड मलिक जी बने हैं, अभी हमारे हजारों डायमंड बनाएंगे, तो जब तक जीवन रहेगा जब तक डायमंड बनाते रहेंगे। तो थैंक्स सभी मेंटर्स का। उसके बाद में होता क्या है कि मैं कुछ चीजें रहती हैं, मैं टीचर था, ये टीचर्स का आप देख रहे हो, और नॉर्मली टीचिंग करते थे लोगों को, बच्चों को, हमने आप देख रहे हो, फोटो देख रहा है जो 2016 का ही फोटो है, और जब हमने स्टार्टिंग किया था, ज्यादा पुराना नहीं है, आप सोचते हो ज्यादा पुराना है, 16 का फोटो है, जो 16 में हम टीचिंग कर रहे थे और अपने बच्चों को हम यहाँ पे एक अच्छा गिफ्ट दिलवा रहे हैं। तो अच्छे लेवल पे किया, जो भी किया अच्छे लेवल पे किया, है ना। लेकिन ये बदलने के लिए यहाँ तक कैसे पहुंचे हम लोग, है ना, बिजनेस पे कहाँ से ग्रो हुआ, कैसे हुआ, वो मैं आपको बताऊंगा। जर्नी स्टार्ट होती है सेफ शॉप में। एक दिन क्या होता है, गुरुदेव ओपी गुरु जी लगातार जानकारी दे रहे थे, शुरुआत में भी जानकारी दी थी, कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं क्योंकि मैंने भी काफी कंपनियां की थी और समझ में नहीं आता था कि हाँ इनसे पैसा तो आता है, ये तो मुझे पता था, लेकिन ये नहीं आता कंटिन्यू आता है। मैं सोचता था कुछ दिन काम करते करते पैसा आता है, उसके बाद गायब हो जाता है, लेकिन जब सर ने मुझे बताया प्रॉपर लगातार करते रहे, सर ने अचीवमेंट लिया, बाइक लिया, तो मैंने देखा यार जब ये कर रहे हैं तो कर सकते हैं, और ऐसा नहीं हो कि आगे बढ़ जाए मैं पीछे रह जाऊं। तो सर के साथ में जब मैंने भरोसा नहीं आया तो स्टार्टिंग नहीं किया, और जब भरोसा हुआ तो लगभग 5 आइडियो से स्टार्ट किया, और आज तक साथ में है और हमेशा साथ में रहेंगे जब तक रहेंगे, और क्राउन बनेंगे, यूनिवर्सल क्राउन बनेंगे, और टीम को भी बनाएंगे। तो मेन चीज क्या है, सर ने स्टार्टिंग करते करते होता क्या है, बहुत सारे लीडर अभी स्टार्टिंग कर रहे होंगे और आपके साथ स्टार्टिंग करा रहे होंगे, तो जैसे ही मैंने स्टार्टिंग किया तो दिशा ट्रेनिंग थी, है ना, जैसे ही स्टार्टिंग थी तो दिशा ट्रेनिंग हुई, और वो शिमला में थी, है ना, वहां कुफरी घूमने का मौका मिला, हिल स्टेशन पे हम लोग गए, बादल ही बादल थे, है
और पहली बार हम लोग 5 स्टार प्रॉपर्टी में रुके, तो मैंने देखा यार मैं यहाँ पे स्टार्टिंग काफी जब समय से बिजनेस कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन ये लाइफ स्टाइल तो कहीं नहीं दिखती, और यहाँ पे अगर परमानेंटली ये लाइफ स्टाइल हो सकती है, मिल सकती है, तो इसके लिए काम करना चाहिए, और काम करना चाहिए कि परमानेंटली ये चीज हमें मिल सकती है, तो लगातार ही काम करना चाहिए। तो डिसीजन लिया काम करने का, डिसीजन लिया कंटिन्यू काम करने का, तो उसमें कंटिन्यू काम करना स्टार्ट किया। फिर शिमला भी गए, जयपुर गए, चंडीगढ़ गए, फिर एलडीपी डेवलपमेंट गोवा में गए हम लोग, गोवा में मलिक जी हमारे साथ में थे, वो भी डायमंड है, और कोई था ही, 4-5 लीडर हम लोग गए थे, एक मलिक जी डायमंड निकल के आए, उसमें नैनीताल गए, उदयपुर दिशा में भी गए, शिमला भी फिर दिशा में दोबारा गए, जयपुर एलडीपी में भी गए, उदयपुर एलडीपी में गए, बहुत सारी और भी ट्रिप है जो लगातार कंटिन्यू की है, एक एक साल में तीन तीन चार चार ट्रिप की, मतलब मेन है कि अगर आपको सफलता लेनी है तो छोड़ी कोई नहीं ट्रिप, बोलते ना वही चीज बताई जाती है, वही चीज सिखाई जाती है, लेकिन कंटिन्यू कुछ ना कुछ एक पॉइंट ऐसा निकल के आ जाता है जिसके माध्यम से हम लोग अपने जीवन को बेहतरीन बना सकते हैं। तो यहाँ पे हर दशा में मुझे कुछ ना कुछ अच्छा मिला, हर लीडर डेवलपमेंट ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ अच्छा मिला जिसके माध्यम से और निखार आया और हमें कुछ शार्पनेस आई जिसके माध्यम से हमने अपने लीडर्स को डेवलप किया, लीडर्स के साथ में टारगेट कराए। लेकिन कुछ टर्निंग पॉइंट भी रहते हैं ना सेफ शॉप में काम करने के साथ में, कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट आते हैं जिनके माध्यम से आप लोग बहुत तेजी से आगे ग्रो कर सकते हैं। क्या क्या टर्निंग पॉइंट थे जब मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग किया? काम हम लोग कर रहे थे है ना, कभी कभी ट्रेजेडी भी आती है, बहुत सारी चीजें ऐसी घटनाएं हुई हमारे साथ में, लेकिन मैं कुछ टर्निंग पॉइंट के बारे में, जैसे स्टार्टिंग किया, स्टार्टिंग करने के बाद में काम किया, दिशा में गए, छोटा अचीवमेंट आया, 435 का चेक आया, 935 का चेक आया, 1000 का आया, 2000, हाईएस्ट चेक 2,42,825 का भी आया है ना। लेकिन स्टार्टिंग में जब हम रुकते ही नहीं यहाँ पे, 435 और 900 के चेक कोई देख के हम लोग, अगर हमारा कोटा पूरा हो जाता तो यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है, और दिशा लेने के बाद, या फिर मैं गुरुदेव के साथ दिशा में जाता ही नहीं और मैं इस बिजनेस को ज्वाइन ही नहीं करता तो भी ये नहीं आता, और गुरुदेव के साथ जाता ही नहीं दिशा में तो विजन क्लियर नहीं होता, तो मैं इसमें आता तो मलिक जी भी डायमंड नहीं होते, और बहुत सारे हमारे रेड क्लब हैं, बहुत सारे ब्लू क्लब हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो भी हमारे साथ आ रहे हैं वो नहीं होते। तो मेन चीज है कि दिशा का बहुत महत्वपूर्ण रहा, उसके बाद लगातार भरोसा हुआ, भरोसा हुआ तो ये अचीवमेंट भी आया। लेकिन उसके लिए क्या चीज है, कुछ चीजें ऐसी थी, अचीवमेंट तो आया और अभी बहुत सारी चीजें और आने वाली है लाइफ में ना, लेकिन कुछ टर्निंग पॉइंट थे जो कि मैं आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ सारी चीजें। एक घटना हुई हमारे साथ में, राजेंद्र जी थे हमारे साथ में जो अभी फोटो में आप देख रहे हैं, ये मेरे मैं हूँ यहाँ पे, राजेंद्र जी बैठे हुए हैं अलीगढ़ से, हम लोग जैसलमेर ट्रिप में गए थे, और जैसलमेर ट्रिप में आने के बाद ही तुरंत ही ये एक्सपायर हो गए है ना, आते ही लगभग हम लौटे थे, पहले हफ्ते में लौटे थे, मार्च के महीने में हम लौटे थे, और अप्रैल में इनका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने के बाद एकदम आघात लगा, भाई हमारे साथ घूम रहे थे, आज फोटो देखो ये अप्रैल मार्च का फोटो है, और अप्रैल में वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो हम देखते हैं कि ऐसा किसी के साथ में भी हो सकता है ना, और अगर हमारे साथ होता तो फैमिली का क्या होगा। तो ये टर्निंग पॉइंट माइंड में सेट हुआ, हम लोग मैं नितिन गुरु जी ओमी गुरु जी गए थे अलीगढ़ में, जब कंडीशन देखी तो उन्होंने बहुत पैसा जो भी कमाया, लेकिन इनका नाम सम्मान इतना था कि भीड़ इतनी थी बहुत ज्यादा है ना, हम लोग तो सरप्राइज हुए, ऐसा व्यक्ति था हमारे साथ में, लेकिन आज उनकी आत्मा के माध्यम से हो सकता है उनके ऊपर से देख रहे हैं, उनकी आईडी पे काम हो रहा है, टोपा जो होने वाले खत्म हुए थे जो सिल्वर थे, ये टर्निंग पॉइंट बहुत शानदार आया। उसके बाद एक टर्निंग पॉइंट और बहुत बेहतरीन आया कि 2017 में मेरे साथ एक घटना हुई, मैं 8-9 महीने काम नहीं कर पाया, और मेरा मोरल भी इतना हाई नहीं था कि मैं कुछ काम कर पाऊं, लेकिन मलिक जी एनएसजी में थे, और एनएसजी में पहुंचते हुए मलिक जी को लगा, 7-8 दिन बचे थे और डेली हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने लगा कि टारगेट नजदीक आ गया, टारगेट कैसे हो, और कुल 8 दिन बचे थे, और मैं डायरेक्टली कुछ नहीं किया, मैं 8-9 मतलब मार्च से लेके मैं नवंबर तक वर्किंग में नहीं था, और नवंबर में वो टारगेट के 8 दिन बचे हुए थे, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने शुरुआत में बजरंगवली का नाम लिया, आज भी मंगलवार है, और वहां से निकला सीधा और मलिक जी के पास पहुंच गया, और पूरी प्लानिंग सेट की, और एनएसजी के साथ में मैंने, मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि 9 महीने से मैंने वर्क नहीं किया, कॉन्फिडेंस कैसे निकल के आया, मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा तो नहीं यार मेरे पे होगा ही नहीं सेव, सब कैसे होगा, पारिवारिक कंडीशन ऐसी आ गई थी कि परिवार को सेव करना था या काम करना था, परिवार को बचाना था या काम करना था, ऐसी कंडीशन थी तो काम नहीं कर पाए, लेकिन उस समय भी सेव सब ने लगातार पैसा दिया, तो वहां से भरोसा सेट हुआ। उसके बाद जब मैं मलिक जी के पास पहुंचा आफ्टर 6 महीने बाद वर्किंग में, कहीं कोई प्लान नहीं किया, 6 महीने से किसी से लीडर से नहीं मिला, वो वहां जाने के बाद 1 वीक के अंदर ही हमने 72-200 बिजनेस वॉल्यूम की सेल क्लोज की, और मलिक जी का फॉरेन का टारगेट हुआ, पहला थाईलैंड का टारगेट हो गया, तो हमें भरोसा हुआ यार काम तो होता है, ऐसा नहीं होता कि आप अगर शार्पनेस, हमारे लीडर पुराने लीडर्स हैं, पावर खो दी, आप लोगों के अगर पावर नहीं आ पा रही, आप लोगों के भी काम नहीं हो पा रहा, आप लोगों को रिजल्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब आपकी शक्तियां खत्म हो गई, शक्तियां खत्म नहीं है, रिवाइज करने की जरूरत है, रिवाइज की 72 डीडी हुई,
उसके बाद में बहुत सारे टारगेट, जगवीर जी का टारगेट कराया हमने, वो पता है जगवीर जी का टारगेट हुआ। उसके बाद में ट्रिप थी, ट्रिप में नहीं जा पाए क्योंकि इनकी शादी आ गई, शादी बीच में आते इनकी ट्रिप भी रह गई। उसको राम सिंह जी का टारगेट कराया, राम सिंह जी ने भी 7-8 दिन में बहुत परफॉर्मेंस दिया उन्होंने, एकदम टेंट के साथ में उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, एकदम हनुमान जी की तरह निकल के आए। पप्पी मैडम का टारगेट हुआ, BS मीना जी जो तहसीलदार साहब है उनका टारगेट करवाया, मुनेन जी जो गोवा है उनके साथ में यहाँ से टारगेट, तेलंगाना जाके वहाँ भाषा नहीं समझ वहां से टारगेट करवाया। महेश जी हैं, महेश प्रकाश सर, उनका आगरा में टारगेट था, ऐसी कंडीशन थी कि साइड ही हैंग हो गई है ना, साइड बंद हो गई, फिर दोबारा रिस्टार्ट हुई, रिस्टार्ट फिर, मतलब ऐसी कंडीशन में टारगेट, ये यादगार टारगेट है इसलिए मैं इन नाम ले रहा हूँ। उसके बाद में राजस्थान काम किया, तेलंगाना, आगरा, अलीगढ़, उत्तराखंड, गोंडिया, बनारस, एनर्जी, मतलब गुरुदेव ने जहां पे भी बोला उसके बाद ऐसा कॉन्फिडेंस निकल के आया कि जहां पे भी बोला वहां टारगेट हुआ और कराया, क्योंकि हमने माइंड में सेट कर लिया, क्योंकि मेरी कमजोरी यहाँ खत्म हो गई 9-10 महीने में, जब मैं मलिक जी के पास पहुंचा था, जब 72 डिग्री जा सकती है तो काम कहीं पे भी हो सकता है, और बस अपने पे भरोसा होना चाहिए। उसके बाद में ये टर्निंग पॉइंट आया, उस दिन से आज तक कोई दिक्कत नहीं आई, और हमने काम किया, और काम किया तो आज आपके साथ में लीडर्स के साथ में भी है, हमारे साथ में बहुत अच्छे लीडर्स हैं जिनके साथ काम हो रहा है, और आने वाले भविष्य में बहुत बब्बर से आ रहे हैं जो आने वाले समय में इतिहास बनाएंगे। लेकिन मेन चीज क्या है, सक्सेस प्रिंसिपल है, मैं इसको बता रहा हूं आपको पूरा, होता क्या है व्हाई एंड हाउ, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 95% लोग कहते हैं व्हाई क्यों, और 5% लोग हाउ कैसे, है ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेस प्रिंसिपल भी यही है, इसको मैं डीपली आपको समझाता हूँ। व्हाई वर्क विद अस, मतलब हमारे साथ आप वर्क क्यों करें, क्यों करें हमारे साथ वर्क, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं आपको डीपली समझाऊंगा पूरा। दुनिया का सत्य है सक्सेस के लिए, वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, अभी बताता हूँ। 95% लोग हैं, 5% पैसा है, 95% लोगों के पास 5% पैसा है, और 5% लोगों के पास विश्व का 95% पैसा है, इससे कोई सत्य है, कोई इसे झुठला नहीं सकता, और ये रियलिटी है ना। इसमें क्यों है ये भी आपको समझ में आएगा कि 95% लोगों के पास 5% पैसा क्यों है, और 5% लोगों के पास 95% पैसा क्यों है। ऐसा इसलिए है, इसमें मैं आगे आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे होता क्या है कि आप लोग जो फाइनेंशियली सक्सेस के लिए काम करते हैं तो होता क्या है कि फाइनेंशियल सक्सेस का फॉर्मूला है ना, और हम लोग इस फॉर्मूला पे जो काम करते हैं तो हमें ये दिखता है कि हम अचीवमेंट कैसे हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है, ड्रीम व्हीकल्स एंड वर्क, पहले तो हमारा ड्रीम मजबूत होना चाहिए, फिर उसके लिए हमें व्हीकल अच्छा होना चाहिए, और वर्क होना चाहिए, फिर उस पर काम होना चाहिए। ड्रीम मजबूत है और व्हीकल खराब है तो भी हम हमारे पास सक्सेस नहीं मिल पाएगी। ड्रीम अच्छा है, व्हीकल अच्छा है, काम अच्छे कर रहे हैं, मतलब हमारा ड्रीम सॉलिड है और हम चलने के लिए वहां पहुंचने के लिए भी हम पे व्हीकल है उपलब्ध है अच्छा वाला, तो हम लोगों को आसानी से सक्सेस हो जाएगी, वर्क हो जाएगा। एक गलतियां कहाँ होती हैं, गलतियां कुछ ऐसे होती हैं आगे कि हमें फोकस कहाँ करना है, हमें ड्रीम अच्छा सेट करना है, व्हीकल भी चूज करना है, और वर्क, आज हमारे पास सब कुछ अच्छा है वो मैं आगे बताऊंगा, और आप कैसे पहुंच सकते हैं वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग लगातार प्रोग्रेस करते हैं, ड्रीम अच्छा है, व्हीकल अच्छा, और वर्क लगातार करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, कंटिन्यू 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 करते चलते हैं, तो सफलता हमें मिल जाती है। लेकिन वो कंटिन्यू जहां डिसकंटिन्यू हो जाता है वहीं पर प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमें क्या करना है कि हमें ड्रीम पूरा सेलेक्ट करना है, उसके बाद फोकस करना है। 95% लोग क्या फॉर्मूला अपनाते हैं, सक्सेस फॉर्मूला है ना, ये अपनाते हैं, दे फाइंड रॉन्ग व्हीकल। जो 95% लोगों पे 5% पैसा है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो व्हीकल्स इंटू वर्क इंटू ड्रीम। पहले तो व्हीकल पहुंचते हैं, ड्रीम तो बाद में सेट करते हैं, पहले तो व्हीकल सेट करते हैं साइकिल्स पहुंचने के लिए, हमें ड्रीम पे जाना है ना, ड्रीम सेट करना है, तो पहले तो व्हीकल, गलत तरीके से वो काम करते हैं, पहले वो सेलेक्ट, जिस जॉब है हम जॉब में काम करते हैं, दे फाइंड रॉन्ग जॉब व्हीकल्स, जॉब जॉब गलत नहीं है लेकिन बड़े अचीवमेंट करने के लिए जॉब से हम नहीं पहुंच सकते। दे डू हार्ड वर्क, वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लगातार हार्ड वर्क करते हैं, जो जॉब में हम 8 घंटे 10 घंटे, जॉब लाखों की भी है, जो 10,000 की भी है, NCR में 10,000 12-12 हजार में लोग रुके पड़े हैं बहुत ज्यादा, तो काम करते हैं वो लोग, तो दे डू हार्ड वर्क अलोन, वो अकेले हार्ड वर्क करते हैं, और अकेले अब व्यक्ति कहीं पहुंच नहीं सकता। ड्रीम एज मच पॉसिबल, ड्रीम हमें ऐसा पॉसिबल नहीं लगता कि पहुंच पाएंगे,
और हम लोग लगातार वर्क अपने पे करते रहते हैं। दे लाइव ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी लाइफ है ना ऑलवेज, वो हमेशा ऑर्डिनरी लाइफ ही जीते हैं, क्योंकि वो गलत व्हीकल अपनाते हैं और गलत व्हीकल से हम लोग बड़े अचीवमेंट नहीं ले सकते। दूसरी बात, 5% लोग क्या करते हैं, 5% लोग क्या करते हैं, सक्सेस फॉर्मूला क्या करते हैं, ये पहले ड्रीम सेट करते हैं, व्हाट डू आई वांट इन माय लाइफ, मुझे चाहिए क्या मेरी लाइफ में, है ना, उसके बाद में अपना ड्रीम सेट करते हैं। मतलब 95% लोग पहले व्हीकल सेलेक्ट करेंगे, फिर उस पर काम करेंगे, जब ड्रीम अचीव फोकस करेंगे। लेकिन 5% लोग करते क्या है, पहले अपना ड्रीम सेट करते हैं, लक्ष्य मजबूत करते हैं। जैसे हमें घर चाहिए, उसका नक्शा हमने बना दिया, नक्शा बना दिया तो उस पर फिर करना क्या होता है, दूसरा व्हीकल सेलेक्ट करते हैं, व्हीकल सेलेक्ट करते हैं, एकदम व्हीकल पहुंचने के लिए तेजी से हम कैसे पहुंच सकते हैं, हमारा ड्रीम बड़ा है तो उस पर कैसे पहुंच सकते हैं। तीसरे फिर क्या करते हैं, वर्क करते हैं, डू स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क करते हैं। वहां पे आपको क्या दिखाया, वो पहले व्हीकल सेलेक्ट करेंगे, फिर उस पर काम करेंगे, व्हीकल साइकिल है, वर्क लगातार है, उसके बाद में ड्रीम पहुंचेंगे, नहीं पहुंच पाते, इसलिए 95% लोगों में 5% पैसा रह जाता है। लेकिन यहाँ पे 5% लोगों पे इसलिए 95% पैसा रहता है, वो ड्रीम सेट करते हैं, व्हीकल अच्छा सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद स्मार्ट वर्क करते हैं, और स्मार्ट वर्क करने से वो वहां तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो अकेले नहीं पहुंच सकते थे, और टीम वर्क के माध्यम से वो वहां पहुंच जाते हैं। सपोज यू वॉन्ट टू गो मून, मतलब आप मून पर जाना चाहते हो, तो कंडीशन क्या रहेगी, ड्रीम रिच एट मून, मतलब आपका सपना है मून पर पहुंचने का, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, व्हीकल आपकी साइकिल है तो पॉसिबल है आप पहुंच पाओगे, कभी नहीं, है ना। लेकिन अगर वर्क कितना भी हार्ड कर लो, आप कितना भी दम लगा लो, कितना भी आप बादाम किशमिश खा लो, कितना भी पूरा घूम लो, नहीं पहुंच पाओगे, एक कंडीशन क्या रहती है। लेकिन अगर आपने सही व्हीकल सेलेक्ट कर लिया, सही व्हीकल सेलेक्ट कर लिया, तो आपका 100% आप मून पर पहुंच जाओगे और आपका ड्रीम पूरा हो जाएगा, है ना, 100% आपका पूरा हो जाएगा। तो ड्रीम मस्ट है, मैं आपके पास तीन ही चीजों पे बात करूंगा आज, ड्रीम व्हीकल वर्क, ड्रीम व्हीकल वर्क, तीनों ही आपके पास कंपनी दे चुकी है वो बताऊंगा आपको, तो आप पहुंच सकते हो। अभी क्या है कि थ्री थिंग्स टू बिकम सक्सेसफुल है ना, राइट ड्रीम, सपना आपका मजबूत होना चाहिए, आपका सपना पैसा जो भी है, राइट व्हीकल और राइट हार्ड वर्क, राइट वर्क, राइट स्मार्ट वर्क विद कॉम्बिनेशन ऑफ स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क, दोनों ही आपके पास में इनके माध्यम से आप पहुंच सकते हो, है ना। तो राइट ड्रीम है हमारे पास ऑलरेडी है, आप सेट कर रखा है आपने, राइट व्हीकल्स के बारे में और राइट वर्क के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी ड्रीम के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको करने की जरूरत है तो आपको सक्सेस मिल जाएगी, आपका सपना मजबूत है, व्हीकल आपने सेलेक्ट अच्छा किया है, तो आपका वर्क आपका ऑटोमेटिक अच्छा होगा और आप सक्सेस आप पहुंच जाओगे, है ना, और एंजॉय फ्री लाइफ, एंजॉय आपके साथ में रहेगा, एफटीआर जो भी चाहिए पैसा समय समय आपको वो मिलेगा। लेकिन विदाउट ड्रीम क्या होता है, जब ड्रीम नहीं हो हमारे पास में क्या होता है, तो हमें डर होता है ना, जब ड्रीम मजबूत नहीं है तो विदाउट ड्रीम क्या होता है, यू हैव टू डू बाई फियर्स, हमें डर रहता है, डर होना क्या, किसका डर होता है, फियर ऑफ मोटिवेशंस, है ना, डर होता है, अरे क्या होगा, डर क्या रहता है, अनसक्सेसफुल होने का डर रहता है, क्या हम फेल हो जाएंगे, काम होगा नहीं होगा, सफल होंगे नहीं होंगे, डायमंड बनेंगे नहीं बनेंगे, अरे होगा क्या, ये रहता है हमारा डर, अगर ड्रीम ही मजबूत नहीं है। जिस लीडर को ये नहीं पता मुझे जाना कहाँ है, तो चार चक्कर लगाए घर के घर बैठ जाएगा, लेकिन जिस लीडर को ये पता है मुझे अपना लक्ष्य हासिल कैसे करना है, वो हर कंडीशन में पहुंच जाएगा, हर कंडीशन में वो मजबूत हो जाएगा। तो ड्रीम नहीं होता, वहां डर लगता है काम करने में, शिफ्ट जॉब में, लेकिन जिसका ड्रीम क्लियर है कि मुझे अरबपति बनना है, हम नौकरी से नहीं बन सकते, तो वो यहाँ पे कुछ भी करने के लिए तैयार होगा, चाहे वो जॉब कौन सी भी करता हो, है ना। तो इस पर फोकस करें। अब ड्रीम क्या होता है, ड्रीम गिफ्ट, जिसका ड्रीम सेट है, ड्रीम नहीं है तो डर लगेगा काम करने में, और लेकिन ड्रीम है तो क्या है, मैं बताता हूँ, ड्रीम हमें क्या देगा, राइट फाइटिंग टू अनसक्सेस, जब हमें परेशानी आएगी, जैसे बोलते हैं असफलता असफलता असफलता, असफलता का मतलब ही असफलता है, सफलता के नजदीक पहुंचना है, अ प्लस सफलता, असफलता, संधि विच्छेद भी करोगे ना असफलता का तो आप समझ में आएगा, तो कहता है असफलता, अचीव मतलब नेक्स्ट वन, आप अपने पर आकर्षित करना, और जो जितनी बार सफल होगा वो सफलता के नजदीक जाता है, तो फाइटिंग टू अनसक्सेस, ड्रीम आपको असफलता से लड़ने का कि फाइटिंग के लिए पूरा दम देता है ना। दूसरी बात, करेज टू फेलियर्स,
फिर साहस देता है, आपको असफलता मिलेगी तो उसके लिए साहस देगा आपके लिए लड़ने के लिए। नो एक्सेप्टेंस है ना, इसके लिए उसे बस एक जीतना ही जीतना है, जीतना ही जीतने के लिए वो काम करेगा। फेशियल प्रॉब्लम, फेशियल प्रॉब्लम करने के देगा, अगर ड्रीम दिख रहा है आपको, कोई बंदा मना कर रहा है या फिर कोई परिस्थितियां विपरीत हो गई, परिस्थिति अपने हाथ में नहीं होती, वो रहेंगी ऊपर नीचे रहेंगी, लेकिन अगर आपके पास ड्रीम है तो प्रॉब्लम से लड़ने के लिए वो पूरा आपके लिए देगा पावर्स देगा, है ना, फेशियल प्रॉब्लम के लिए पावर देगा। वर्क इन एनी कंडीशंस, गर्मियां हैं जैसा आ रही है, रैंक का भी लास्ट मौका कंपनी दे दिया, बहुत सारे लोग रोएंगे कि मेरी रैंक नहीं हुई, नुकसान हो गया, लेकिन कंपनी ने 3 महीने दिए हैं और 3 महीने में कोई भी लीडर ऐसा नहीं है जिसकी रैंक रह जाए, लेकिन वो गर्मी को कैसे यूज करता है, इस सिस्टम में कैसे अपने आपको डालता है, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क इन एनी कंडीशंस। तो ड्रीम आपको वर्क एनी कंडीशन, अगर जिसका पता है कि मुझे टारगेट करना है, मुझे दिशा में ज्यादा लोग लेके आने, मुझे रैंक करनी है, तो वो गर्मियों को नहीं देगा, वो वर्क करेगा, कंडीशन चाहे कैसे भी हो, तो कंडीशन हमारे मुताबिक होंगे नहीं, और अगर हम मुताबिक होंगे नहीं तो हमारा टारगेट वार्गेट सब रह जाएगा, तो इस पर फोकस फोकस करने उस पर ध्यान देना है, लगातार काम करना है, और अभी से पूरा प्लानिंग सेट करके दमदारी से उस पर फोकस करना है। अब ड्रीम क्या होता है, ड्रीम आपका बहुत सारे लोगों का ड्रीम है, विग कार हो सकता है, बड़ी कार है आपका, विग हाउस है, बड़ा हाउस आपका ड्रीम सेट हो सकता है, रिटायरमेंट जॉब, बहुत सारे लोग रिटायरमेंट्स के बाद में आराम से लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए वो ड्रीम हो सकता है, ज्वेलरी हो सकती है, आप परिवार के लिए ज्वेलरी का पूरा सेटअप का ड्रीम सेट कर सकते हो, फॉरेन ट्रिप्स, अभी कंपनी ने पूरा टारगेट दे रखा है, फॉरेन ट्रिप्स आपके पास हो सकती है, लोन फ्री लाइफ है ना, जो आप ज्यादातर आप लोगों को देखते हो, बड़ा घर है, बड़ा गाड़ी है, तो 90% लोन है। अगर आपके बैकग्राउंड जाओगे, तस्वीर बहुत अच्छी लगती है, तस्वीर आप देख रहे हैं बहुत अच्छी लगती है, उसके पीछे जाले कितने होते हैं ये नहीं पता, जितने भी कुर्ते लंबे पहन के घूमते हैं ना जितने भी लोग, या फिर जितने भी ज्यादातर आप बड़े बड़े मकान देखते हो, 90% लोन मिलेगा, नहीं तो आप चेक कर लेना। तो लोन फ्री लाइफ भी आप जी सकते हो, आप चाहो जो भी अपना पर्सनली, पर आप जो चाहो वो अपने पैसों से परचेज कर सकते हो, लोन का टेंशन खत्म, टाइम फ्रीडम आपको मिल सकता है, बशर्ते आप अपने अकॉर्डिंग, आप ड्रीम के अकॉर्डिंग काम करें तो अनलिमिटेड टाइम फ्रीडम आपको मिल सकता है। तो ये सारी चीजें हैं ड्रीम, आपको ये ड्रीम हो सकते हैं, आप इनको ड्रीम सेट करो और पूरा करने के लिए पूरा दमदारी से उनको लग जाए, ड्रीम कन्वर्ट टू गोल है ना। देखो ड्रीम होते हैं जो कॉपी पे हमारे लिख रहे हैं तो वो ड्रीम है ना, लेकिन पुट योर डेट फर्स्ट, अगर आप उनको डेट वाइज सेट कर देते हो, आप उनको डेट वाइज सेट कर देते हो कि ये मुझे डेट को ये सेट करना है, तो ये आपके गोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ही ड्रीम पे डेट डलेगी, आपने बोला कि मुझे मोबाइल लेना है और इस डेट को लेना, तो वो गोल बन जाएगा आपका, आपको कोई गाड़ी चाहिए या घर चाहिए या जो चाहिए है ना, ऐसा नहीं होता, जो अपने अकॉर्डिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो आपको चाहिए आप उसे सेट करते हो, तो आपके लिए गोल बन जाएगा, और फिर क्या रहता है, कंटिन्यूसली आप काम करोगे तो आपको गोल अचीव भी हो जाएगा, है ना। पुट योर डेट फर्स्ट, डेट डाल दी, आप अपना लगातार काम करोगे तो आपको अचीवमेंट भी हो जाएगा, लेकिन अगर कॉपी में ही लिख रहा है, अगर डेट नहीं है तो वो गोल नहीं है, कन्वर्ट ड्रीम है, और ड्रीम बनते हैं कॉपी फट जाती है, ड्रीम बनते हैं कॉपी फट जाती है, फिर नई डायरी आ जाती है, तो आप जो भी ड्रीम बनाए उस पर डेट डाले, डेट डालोगे तो वो गोल कन्वर्ट हो जाएगा, गोल बनेगा तो आप लगातार वर्क करोगे, वर्क करोगे, जैसे आपको रैंक करनी है या टारगेट करना है, तो अभी आज से उस पर डेट डाल दो, इतने तक आप करोगे तो इतने तक नहीं होगा, बाई चांस किसी ने बोला कि मई तक करना है मुझे, 31 मई तक, 31 नहीं होगा तो 15 जून तक हो जाएगा, 15 जून ना हो तो 30 जून तक हो जाएगा, 30 नहीं होगा 31 जुलाई का तो 100% हो जाएगा, और जो व्यक्ति बोलेगा कि मुझे करना है करना है करना है करना है करना है, तो उसका करना ही हो जाएगा, तो इस पर फोकस करें। ड्रीम बहुत सारे आपने ड्रीम के बारे में बता ही दिया, ये आपको ड्रीम का सेट बता दिया, अब ये ड्रीम छोटे छोटे अकॉर्डिंग आप, मैंने बताया अभी, आप इसको आप देख सकते हो अपने हिसाब से कि आप जैसा आप जा सकते हो, छोटे छोटे ड्रीम्स हैं, 3 से 6 महीने के, जैसे मोबाइल है, गुड क्लॉथ्स हैं, बैग टूल्स वगैरह हैं, और जो भी है लैपटॉप वगैरह है, जो भी आप ले सकते हो उसको, ये आप देख सकते हो, मिडिल टर्म ड्रीम है, लॉन्ग टर्म ड्रीम है, आप इसको डेट वाइज सेट कर सकते हो ना। अभी होता क्या है कि अभी मैंने आपको बताया पहले क्या, ड्रीम व्हीकल और वर्क, तो ड्रीम कंप्लीट हुआ, ड्रीम आपके सेट हो गए, ड्रीम होंगे तो क्या मिलेगा, ड्रीम नहीं होंगे तो डर रहेगा, ड्रीम होंगे तो उन्हें गोल कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे मैं अचीव करना है, ये सब कुछ मिल गया। अब आप सोच रहे होंगे तो करना कैसे, व्हीकल क्या है, तो व्हीकल आपको सेफ सब मिल गया, सबको बराबर सेफ सब मिला है ना, अब सेफ सब ये नहीं बोलती कि आप 1,000 कमाओ 2,000 कमाओ, सेफ सब आपको ये बोलती है आप जितना चाहो उतना कमाओ, जितना जल्दी टारगेट करो, जितना जल्दी रैंक करो, कर लो रैंक, भर लो बैंक, जो मौका दे रही है वो देगी, वो आपके ऊपर, आप कितने तेजी से करना चाहते हो, है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
सेफ शॉप खुलने छूट दे रखी है सेफ शॉप ने, आप जो चाहते हो सेफ शॉप से वो ले सकते हो, लेकिन आपके ऊपर है। व्हीकल आपको शानदार मिला हुआ है, आप जहां चाहते हो वहां पहुंच सकते हो, है ना। अपने जीवन में मिलियनर बिलियनर सब बन सकते हो, व्हीकल आपका इतना अच्छा है। एक तीसरी बात है कि वर्क, है ना। कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को, यू हैव सेलेक्टेड राइट व्हीकल, आपने सेलेक्ट राइट व्हीकल किया है सेफ शॉप, जिससे आपके सारे ड्रीम्स पूरा हो सकते हैं। अब तीसरा क्या है, वर्क, है ना। आपका ड्रीम बढ़िया है, फिट है, व्हीकल भी आपका सेलेक्ट है, लेकिन विदाउट वर्क के भी नहीं होगा ना। कि आपने सिर्फ सब ज्वाइन कर लिया, मुझे बड़ा पैसा वाला बनना है, मुझे पैसा समय समय चाहिए, मुझे पैसे इनकम चाहिए, मुझे लग्जरी लाइफ स्टाइल चाहिए, और उसके बाद सिर्फ सब में जुड़ जुड़ भी गए कि जब वो डायमंड बने तो मैं बन जाऊंगा, वो बने तो मैं बन जाऊंगा, लेकिन मेन चीज है कि वर्क करना पड़ेगा, है ना, कंटिन्यू वर्क करना पड़ेगा। वर्क के लिए क्या क्या चीजें कहीं करनी है मैं बता देता हूँ, व्हाट टू डू, करना क्या है आप लोगों को। यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, मैं आपको चार पांच स्टेप्स के बारे में, जैसे बेसिक फाइव बेसिक स्टेप्स हैं टीम बनाने के, तीन मेंटेन स्टेप्स हैं टीम को टिकाने के, डेवलप कराने के, पावर गेनिंग स्टेप्स हैं लीडर डेवलप करने के, लीडर को मेंटेन करने के, लीडरशिप डेवलप करने के, कार्डिनल रूल्स हैं अपने व्यक्तित्व को निखारने के, अपनी टीम के को एकदम मजबूत बनाने के लिए। इसको मैं डेफिनेट एक एक करके डिजाइन बताऊंगा आपको, और वो आप सारी चीजें मैं एक एक करके क्लियर हो जाएंगी आपके, ना। फाइव बेसिक स्टेप्स हैं जो रेगुलर आप करते हो, कहीं ना कहीं बेसिक स्टेप्स की कमी होती है ना। काम कितना भी कर लो, है ना, मकान बना लो कितना भी, अरबों का अरबों बना लो, चाहे आप छोटा सा 10-20-50 वर्ग में कोई दुकान बना लो, काम वही होगा, ईंट ही आएगी, बजरी ही आएगी, सीमेंट ही आएगा, है ना। और ये ईंट बजरी सीमेंट मटेरियल जो भी है वो हमारी लिस्ट है। टारगेट करोगे तो लिस्ट की जरूरत पड़ेगी, रैंक करोगे तो लिस्ट की जरूरत पड़ेगी, चेक बनाओगे तो लिस्ट की जरूरत पड़ेगी, आप जो चाहते हो उसके लिए लिस्ट की जरूरत ही पड़ेगी भाई, चाहे कुछ भी कर लो। मैल कांचों का नहीं बने, ईंट बजरी पत्थर सीमेंट मटेरियल्स लाना ही पड़ेगा, वही हमारे पास में लिस्ट है ना। तो लिस्ट तो बनानी ही पड़ेगी, जिसके पास जितनी बड़ी लिस्ट उसके पास उतनी बड़ी सफलता, ये मैं डेफिनेटली है। तो फिर बेसिक स्टेप में सबसे पहला है कि पिलर्स, ना नींव, बरगद का पेड़ खड़ा होकर कर लो, हजारों साल तक रहता है, उसके लिए भी लिस्ट की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि तो मैं हमेशा बोलता हूँ ताश के 52 पत्तों में 4 इक्के होते हैं, तो ये 4 इक्के कहाँ मिलेंगे आपकी लिस्ट में, और लिस्ट में मिलेंगे कब, जब लगातार पत्ते फेंकोगे आप। और लेकिन बहुत सारे लोग लगातार पत्ते फेंकते ही नहीं है, फेंकने से पहले गायब हो जाते, तो उनको डायमंड कहां से मिले, उनको बरगद का पेड़ कहां से मिले, हनुमान जी उनको कहां से मिले। तो मेन चीज है कि लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इनविटेशन। अब इनविटेशन दो तरीके हैं, पहले हम फिजिकल इनविटेशन भी करते थे, है ना, फिजिकल इनविटेशन करते थे ट्रेनिंग के लिए, वेन्यूज के लिए लोग भरते थे, लेकिन आज घर पे बैठे बैठे जूम में भी 75 लीडर्स थे। सुबह मैंने 10-15 लोगों को कॉल किया, किसी के यहाँ इलेक्शन हो रहा है, किसी के यहाँ कोई इलेक्शन में खाना पीना बनवा रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मुझे ड्रीम सेट क्या करना है, उसको इलेक्शन से वो मिल रहा है, हाँ वोट डाल जाओ, आ जाओ, उसके बाद में अपने काम पर फोकस करो, अपने लक्ष्य पे फोकस करो। तो बहुत सारे लीडर्स उसमें आराम से मजे ले रहे हैं, ले आराम से, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो मेन चीज वो नहीं है, जो लेगा, जो काम पे फोकस करेगा वो लक्ष्य को अचीव करेगा। तो इन्विटेशन जूम पे इन्विटेशन नहीं हो रहा, गुरुदेव डेली अल्लाह बचा रहे हैं, हम लोग डेली कॉलिंग भी कर रहे हैं, लोगों को फोन नहीं उठता, मीटिंग में आ जाते, उन्हें लगता है फोन मीटिंग के लिए कर रहे हैं हम लोग। तो ये चीज, इनविटेशन आप जूम पे ही बढ़ा लो भाई। पहले तो एक एक बंदे से हम जाते थे दूर मिलने के लिए, हम जा रहे हैं गुड़गांव, हम जा रहे हैं वहां पे पेट्रोल खर्च करके आ रहे हैं, पूरा दिन खर्च कर रहे हैं। अब तो एक कॉल से आप लीडर को बुला सकते हो, और आपको पता चल सकता है। एक और चीज, आपको जूम पे लोगों को लाने से एक चीज क्लियर हो सकती है कि इस बंदे में दम है, उसको सेलेक्ट करो, उसके सिटी में पहुंच जाओ। लेकिन आपको बाकायदा भीड़ भाड़ तो कम मिल रही है ना, भीड़ भाड़ से मौका तो कम मिल रहा है ना। जैसे कोई आपको जुड़ गया यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर, पहले तो हम 1000 किलोमीटर जाते थे देख के यहाँ क्या हो रहा है, आज वो व्यक्ति लगातार मीटिंग में आता है तो आपको पता चल जाएगा वो व्यक्ति कैसा है, और सेलेक्ट करो, पहुंच जाओ उसके पास में। तो बहुत सारी चीजें बच रही हैं। तो जूम पे इन्विटेशन करो, और जो फिजिकल एक्टिविटी हो रही है उस पर ध्यान दो। नंबर ऑफ एक्टिविटी पे हमेशा मैं बोलता हूँ, कंचे वाला गेम है, नरसिंह अग्रवाल जी बोलते हैं, आप कितना भी दम लगा लेना, अगर आपके पास में एक कंचा है और उसको बिल में डालोगे तो कोई गारंटी नहीं है वो कंचा आपका बिल में चला जाए। लेकिन आपके पास में 100 कंचे हैं और उनको बिल में डालोगे तो गारंटी है 10-20 आपके पास आ ही जाएंगे। तो जो लीडर्स होशियार है गंवार है फर्क नहीं पड़ता, अगर नंबर ऑफ एक्टिविटी ज्यादा कर रहा है तो उसका रिजल्ट ज्यादा आएगा ही आएगा, उसका टारगेट होगा ही होगा, उसकी रैंक होगी होगी। तो नंबर ऑफ एक्टिविटी पे फोकस करें, नंबर ऑफ प्लान संख्या बढ़ाएं, फॉलोअप, व्यक्ति से दोबारा मिलना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक क्यों बता रहा हूँ, बेसिक ही नीम है। मैं आपको सारी चीज बता दूं, बेसिक को भूल जाऊं तो बेसिक को तो भूल ही नहीं सकते, क्योंकि आज हमारी बैग में भी फोल्डर और डायरी रहता है, हम भी जाते हैं कहीं प्लान फॉलो भी करते हैं, फिर मीटिंग करते हैं,
और कोई काम ही नहीं है इसमें। तो फॉलो अप है, दोबारा मिल रहा है। ओमी गुरु जी अगर लगातार मेरे से 1-1.5 साल नहीं मिलते तो मैं ज्वाइन में थोड़ी होता, एक दो बार थोड़ी आया था मैं, लगभग 1-1.5 साल पहले भी बाद में ज्वाइन किया था, उसके बाद भी फिर बाद में लगातार काम किया। तो फॉलो अप दोबारा मिलना और उस व्यक्ति से जब तक मिलना जब तक वो व्यक्ति जुड़ ना जाए ना, उसके बाद जो व्यक्ति जुड़ जाएगा उसको ट्रेनिंग में ले आओ। अभी जूम ट्रेनिंग चल रही है, फिजिकल भी ट्रेनिंग चल रही है, आप कुछ मत करो, नए बंदे को ज्वाइन कराओ, जूम इंस्टॉल कराओ, उसको सुबह सुबह सेशन में लेके आओ। इतना अच्छा सेशन चल रहा है, गुरुदेव का कल शानदार सेशन रहा है, अभी आने वाले समय में महागुरु जी का भी, ओमी गुरु जी का भी रहेगा, नितिन गुरु जी ने कल इतना अच्छा बताया, अभी मलिक जी का और भी लीडर्स का रहेगा, तो आप उसमें बुलाओ लीडर्स को, पता चलेगा कैसे काम हो सकता है, घर बैठे बैठे लर्निंग का मौका मिल रहा है। एक चीज और है, वो जो व्यक्ति घर बैठे बैठे अगर 40 मिनट नहीं निकाल सकता, 1 घंटा नहीं, कैसे उसे करोड़पति बन जाए, कैसे वो बड़ा लीडर बन जाए, ये भी सोचने वाली बात है। ये आप सर्च करो अपने अपने ग्रुप में। तो ये ट्रेनिंग में जो लीडर जुड़ जाओ उसको ट्रेनिंग में ले आओ। ये तो 5 बेसिक स्टेप्स है जो आपकी टीम को बनाएंगे, है ना, ये सर्किल है। इस सर्किल को बेस्ट तरीके से जो इम्प्लीमेंट कर लेगा वो उस टीम अकॉर्डिंग रनिंग अच्छी चलती रहेगी, है ना। लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप और ट्रेनिंग, है ना, फॉलो अप द सर्किल। इसको इम्प्लीमेंट करो, इस पे काम करो, काम करोगे तो बढ़िया हो जाए। अब तीन है ग्रुप मेंटेन स्टेप्स, है ना। अब ये स्टेप्स हैं तीनों, इसमें क्या होगा, ग्रुप को मेंटेन करने वाले, है ना, 100% यूजर्स। बहुत सारे लीडर्स का आईडी खोलना नहीं आता है, उसका भी फोकस करो, उसकी आईडी अगर ऊपर नहीं आती, उसको लीडर को अपना डिपेंड बनाओ। बाई चांस कहीं बिजी है आप नहीं पहुंच पा रहे तो आपकी सेल क्लोज नहीं होगी जब तक लीडर को सेट नहीं करोगे ना, तो इस पर फोकस करो, उस पर आईडी आता हो, रजिस्ट्रेशन आता। बहुत सारे लीडर मैंने देखा है वो सिल्वर बन के आईडी खोलना नहीं आता है ना, आईडी पे फोकस करना नहीं आता, तो आप उस पर फोकस करो। दे बताओ, टीम के साथ मिलकर काम करो, ये आपका टीम प्लेयर से सेफ्ट है। टूल्स के साथ में फोकस करो, टूल प्रमोशन करो, टूल्स रहेंगे तो कोई भी आदमी देख लो, चाहे डॉक्टर देख लो, इंजीनियर्स देख लो, हर व्यक्ति के पास टूल्स रहते हैं, और हमारे पास टूल्स नहीं तो ना तो प्लान दिखा पाएंगे, ना फॉलोअप कर पाएंगे, ना व्यक्ति को ज्वाइन करा पाएंगे, है? तो उस टूल्स को प्रमोट करो दमदारी से, और उस पर ध्यान दो भी, है ना, बैग के साथ पूरा फिट करो, उसके बाद पूरा दमदारी से लग जाओ। फंक्शन है, फंक्शन अभी हमारे पास दिशा का आ रही है, दिशा का पूरा फोकस करें, वो आगे मैं बताऊंगा उसके बारे में। आपने देखा 5 स्टेप्स को देखा, बेसिक स्टेप्स को, 3 मेंटेन स्टेप्स को देखा, ग्रुप को मेंटेन। अब ये 3 पावर्स गेनिंग स्टेप्स जो हमें पावर देंगे, है ना, टीचेबिलिटी। मैं थोड़ी था ऐसे स्लाइड बना के, मुझे स्लाइड ही बनाना आता था, मैं टीचर था, आता था मेरे पे सब कुछ आता है, ऐसे तो एक स्लाइड बनाना नहीं आता था ना, स्लाइड कैसे बनानी है, अपने चित्र बनाता था मैं, लेकिन ये नहीं बनाता था ऐसे स्लाइड बनानी है। लेकिन मैंने गुरुदेव से बोलता, गुरुदेव स्लाइड कैसे नहीं, गुरुदेव ने ऐसे ही मौका दे दिया एकदम कोरोना पीरियड में, तो मैं बनानी है, करना जैसे बनाओ वैसे बनाओ। तो उस दिन सोचा, बनाने लगा, तो आज कॉन्फिडेंस आ गया। अभी गुरुदेव ने कल बोला, मैंने ठीक है गुरुदेव रेडी हूँ तो सेशन लेने के लिए, क्योंकि अभी कोई दिक्कत, गुरुदेव ने ऐसा बना दिया कि 5 मिनट अगर 1 घंटे पहले बताएंगे तो 1 घंटे भी हम लोग रेडी हैं हर काम करने के लिए, क्योंकि योद्धा बनना है ना कि डिपेंड, डिपेंडेंट आदमी कुछ नहीं कर सकता, योद्धा आदमी हर कंडीशन में तैयार रहता है। जैसे कि हमारे आर्मी लीडर्स बहुत है मेरे साथ, उनसे मुझे एनर्जी मिलती है, वो 10 मिनट में अगर युद्ध के लिए तैयारी करना पड़े तो 10 मिनट में भी चल देंगे। ऐसे ही हम लोग हैं, ऐसे हमें योद्धा तैयार करने अपनी टीम में, कि वो लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हों और अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस हों और लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ भी करने के लिए वो तैयार रहते हों, है ना, इस पर फोकस करें। टीचेबिलिटी क्यों जरूरी है, कि हम सीखेंगे तो सिखाएंगे, है ना, आपके साथ लीडर्स हैं, बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं। आज का पुराना समय नहीं था जो आपके ऐसे ऐसे लोग डायमंड बन गए। आज हम अपने ग्रुप को भी देख लेते, मेरे साइड पे हजारों की संख्या में रेलवे है, और रेलवे का हर लीडर्स एजुकेशन वाला है, महेश सर, महेश दीक्षित सर, महेश प्रकाश सर, इनके साथ बहुत सारे रजिस्टर ऑफिसर्स हैं, है ना, खटरे जी आर्मी पर्सन बहुत है, अजय यादव जी आर्मी पर्सन बहुत है, राम सिंह जी वगैरह जगदीश जी ग्रुप में, ऐसे इस ग्रुप में इधर तहसीलदार साहब है हमारे, वो बीएस मीना जी, है ना, इधर साइड में बहुत सारे लोग हैं ना, काम कर रहे हैं ना, तो अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे प्रोफेशनल के लोग हैं। अगर हम लोग अगर अपनी टीचेबिलिटी संख्या नहीं बढ़ाएंगे, हम क्षमता नहीं बढ़ाएंगे सीखने की, तो हम लीड नहीं कर पाएंगे, हमारे साथ अच्छे लीडर्स आएंगे तो हमें सीखना है और सिखाना है। बोला जाता है ना, सीखो सिखाओ पैसे कमाओ, तो सीखोगे तो ही सिखा पाओगे, सीखोगे नहीं तो सिखा कौन से पाओगे, तो इस पर ध्यान दे रहा है। अकाउंटेबिलिटी, है ना, अकाउंटेबिलिटी दूसरा होता है गेनिंग स्टेप्स के मामले में। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी क्या रहता है, कि आपके पास लोगों का पैसा भी आ रहा है, आपके साथ में अपना बहुत सारी चीजें होती हैं। अकाउंटेबिलिटी ये नहीं होता पैसे का, आपके ईमानदारी है कि नहीं आपके साथ में, आप उसको बखूबी निभा रहे नहीं निभा रहे, आपको टाइम मैनेजमेंट है, या आपको पैसे का लेन देन वाली बात है, या फिर बहुत सारी चीज आपको अकाउंट मेंटेन, अपने को मेंटेन करना ही अकाउंटेबिलिटी है हर तरीके से। ऐसा नहीं होता पैसे के मामले में अकाउंटेबिलिटी होती है। आप अपने को बेहतरीन डिजाइन करो, बेहतरीन प्रस्तुत करो, बेहतरीन अपनी टीम के साथ में काम करो, आप अपने को मेंटेन रखो, वही अकाउंटेबिलिटी है, उसको मेंटेन कर लोगे तो ये आपके लिए बहुत दूसरा अकाउंट गेनिंग स्टेप्स रहेगा।
तीसरा होता कम्युनिकेशन, क्षमता आप डेवलप हो गई, अकाउंट बढ़ गया, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब है ऊपर आपके मेंटर्स के साथ में और आपके टीम लीडर्स के साथ कम्युनिकेशन कैसा है। मैं हमेशा बोलता कमियां सबके अंदर रहेंगी, हर किसी के अंदर अच्छाई ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी, लेकिन एक अच्छाई जरूर है जो हमारा लीडर टिका हुआ हमारे साथ में है ना, और हमारे साथ लगातार काम कर रहा है, और एक अच्छाई से ही हम लोग इतने बड़े लेवल पर पहुंच सकते हैं जो कि हम शायद कभी उम्मीद नहीं कर सकते। तो हम अपने लीडर्स के साथ में एक अच्छाई पे फोकस करो, और एक अच्छाई पे आप फोकस करोगे तो उसके माध्यम से उसे वो चीज मिल जाएगी आपको जिसको आपको चाहिए है ना। हनुमान जी के अंदर भी पावर थी नहीं थी, भूल गए वो पावर को, लेकिन अगर जामवन जी ने जगाया तो उनके अंदर उनको अद्भुत क्षमता याद आ गई, याद आ गई तो उन्होंने सब कुछ अच्छा कर दिया। ऐसे ही आपके साथ हनुमान जी हैं बहुत, लेकिन उनको जगाने की जरूरत है ना। ये चूक जगाएंगे कैसे, आप डिसकंटिन्यू हो जाएंगे, उनसे बात ही नहीं करोगे, कम्युनिकेशन ही नहीं होगा। बोलते हैं ना बातें न करने से बातें बनती हैं। आप किसी लीडर से बातें नहीं करो, ज्यादा दिन बात करो मन नहीं करता। मैं जब गुरुदेव से या किसी लीडर से ज्यादा बात नहीं करता तो फिर मेरे लगता है बात करूंगा तो क्या होगा, क्या बात करो वो ये कहेंगे। सो मैं पर्सनल भी मैं ये बात फील करता हूँ, लेकिन बातें नहीं करोगे तो बातें बन जाती हैं बहुत आपके विरुद्ध। आप बहुत अच्छे लीडर हो लेकिन आपके पीछे बहुत बातें बनती हैं। ये हर लीडर के साथ में होता है, लेवल कोई भी हो। आप बात मत करो, आप भले ही काम कर रहे हो बात नहीं कर रहे, डिसकंटिन्यू हो तो बातें बनती हैं बहुत सारी चीजें, वो कभी नेगेटिव भी होती है पॉजिटिव भी हो जाती है ना। लेकिन अपलाइन हमेशा पॉजिटिव ही बात करते हैं, लेकिन टीम वाले लोग अगर आप बातें नहीं करोगे तो पता नहीं अपलाइन कहाँ। अब बातें करोगे तो बात बन जाती है, जो लीडर काम नहीं कर रहा डेली आप बात कर रहे हो उसे याद दिला रहे हो तो वो बंदा टारगेट भी निकाल देगा, तो बात बन जाएगी आपके साथ में। तो दो चीजें, बातें न करोगे तो बातें बनेंगी, तो बात करोगे लीडर्स के साथ तो बात बन जाएगी और आपके साथ लीडर खड़ा हो जाएगा और आपका टारगेट रैंक हो जाएगा और आपकी टीम का अच्छा काम हो जाएगा। तो इस पर फोकस करें, तो ये तीनों स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर पूरा ध्यान दें सारे लीडर्स। अभी थ्री कार्डिनल रूल्स, इसके बारे में आपको सब पता है कि आप कोई भी अपना काम करना है कोई भी विदाउट चेकिंग एक्टिव अपलाइन के साथ में बात ही करके करें, कोई भी नया काम करें तो बिना अपलाइन के या एक्टिव अपलाइन के पूछे बिना कोई नया काम न करें, कोई भी नेगेटिव बातें डाउनलाइन और क्रॉस लाइन से न करें, कोई भी ऐसा काम न करें किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ न करें, ईगो के साथ खिलवाड़ न करें, और अपने चरित्र को अच्छा रखें, क्योंकि हम फैमिली बिजनेस है हमारा और हम लोग फैमिली अपने लीडर्स के साथ मिलकर काम करते हैं, पारिवारिक लोग भी हमारे साथ काम करते हैं, हम जाके परिवारों में भी रुकते हैं, तो अपने चरित्र को मजबूत रखें क्योंकि उसके माध्यम से भी आप बड़ा काम कर सकते हो। अगर चरित्र आपका सही नहीं है तो उसके बाद बड़ा काम नहीं कर पाओगे है ना। ये बहुत सारी चीजें हमें देखे हैं, हमारे साथ बहुत बड़ा नेटवर्क, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि कहीं ना कहीं इस चीज को फॉलो नहीं करते थे इनमें, और वो आए थे बन सकते थे डायमंड है ना, बन सकते थे डायमंड, और कब आए कब गायब हो गए ये भी नहीं पता चला है। लेवल कोई भी हो कुछ ही लेवल पे आदमी ब्रिगेड कर सकता है, अगर आप मेंटेन नहीं करोगे थ्री कार्डिनल रूल। आप सोचो कि अगर रोड पे जा रहे हो और रोड पे हमें नियम है कि बाएं जाना है और दाएं जाना है, लेकिन आप क्या सोचते हो कि नियम फॉलो तोड़ देते हैं, मैं तोड़ के चलता हूँ, मैं उल्टा चलता हूँ है ना, उल्टा चलता हूँ, उल्टा चलोगे तो क्या होगा, तो सीधी बात है एक्सीडेंट होगा ही होगा। आप बाएं की जगह दाएं जाओगे तो एक्सीडेंट हो, एक्सीडेंट हो, दुर्घटना उधर उठा में तो कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको देखते हैं कि ओवरटेकिंग के चक्कर में एक्सीडेंट हुआ, ओवरटेकिंग के चक्कर में ये हुआ, क्यों होता है, ओवरटेक करने के चक्कर में सेफ शॉप ऑलरेडी ओवरटेकिंग ही है आपके लिए, शॉर्ट फॉर्म ही है सफलता, 4-5 साल में जो दिला रही है वो शॉर्ट फॉर्म ही है, लेकिन उसके नियम को ना तोड़ना, और नियम तोड़ोगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, विध्वंस ही होगा, और विध्वंस होगा नियम तोड़ोगे तो कहीं ना कहीं आपकी अनसक्सेस रहेगी और आप सफलता नहीं ले पाओगे। तो याद रखना ये तीनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बात मन में आ रहा है कोई बात तो अपलाइन से पूछ लें, एक्टिव अपलाइन से पूछ लें, एक्टिव अपलाइन से, अपलाइन का मतलब ये नहीं होता, अपलाइन बहुत होते हैं जो सिस्टम में काम कर रहे हैं, लगातार सिस्टम की नॉलेज है उनके लिए। कोई भी बातें आपको लग रहा है कि वो ग्रुप को मैं नेगेटिव कर दूं मेरी टीम अच्छी लग जाए, तो ये नहीं, कभी आप जो बोगे वही आपके साथ मिलेगा, आप किसी दूसरे को नेगेटिव करोगे दूसरा आपकी टीम को कर देगा। और ये तीनों चीजों में मनी, स्पाउस और ईगो, इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दें तो अच्छा रहेगा आपके लिए ना। और बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई है ना, कुछ चीजें आपको डेवलप करने की जरूरत है, अभी कुछ हैबिट्स हैं इनको आप डेवलप करोगे तो अच्छा रहेगा। ये मुझे अपना थोड़ा सा लगी, मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग है ना, आप बहुत सारे लोग, मैं पहले बहुत जैसे 6-7 बजे जगता था है ना जी, मेरा अभी मेरा टाइमली जैसे हम लोग काम करते हैं तो सुबह जल्दी उठ आप जगते हो तो उसके बाद बहुत सारा टाइम आपको बच जाता है जिसके माध्यम माइंड रेफरेंस रहता है, और जिससे गुरुदेव ने सेशन ही चला दिया आप तो ऑलरेडी आप लोग जग ही जाते जाते, लेकिन बहुत सारे लीडर अभी भी मीटिंग में नहीं आते, हम कॉल करते कॉल नहीं उठता, तो जल्दी जगह। डेली सेल्फ टॉक टू टॉप 20 लीडर्स, टॉप 20 का मतलब ये नहीं किसी के पास टॉप 20 नहीं हो तो टॉप 20 में लाऊं कहां से, 5 लीडर हों, 10 लीडर हों, 2 लीडर हों, दो
योद्धा बहुत है आपको डायमंड बनाने के लिए, है ना। तो दो या चार लीडर उनको डेली बात करें, लेकिन नॉनी नॉनी प्रोडक्शन के साथ में घर को आप लीव कर सकते हो। नॉनी का बहुत बड़ा फायदा है, आपको किसी भी मौसम में आप उसको लेके अपने घर से चाय की तरह नॉनी को यूज करो, उसके बाद में आप घर को लीव करो, उसके बाद में पूरे फोकस करो काम पे। पांच एक्टिविटी मिनिमम डे में पैक करो और 10 एक्टिविटी डे पे बनाने पे काम करो। फोकस मॉर्निंग इवनिंग सेशन ऑन जूम, जो भी आपका सेशन चल रहा है उसमें अपने लीडर्स को लाओ, क्योंकि लीडर्स को विजन पता चलेगा कि महागुरु जी का क्या बाउंस बैक का क्या सेशन चल रहा है। लोगों को पता ही नहीं होगा बाउंस बैक का क्या चल रहा है ना, क्योंकि मेन मेन लीडर्स की कमी है। नए लीडर्स की मैं कहीं भी जाता हूँ मैं खुद देखता हूँ, कहीं कमी नहीं होती, कमी मेन की होती है। उन तक वो फॉरवर्ड हो नहीं रहा, क्योंकि मैंने अभी देखा मेन मेन लीडर को कॉल करना पड़ता है, तो वो और लोगों को कॉल क्या रहेगा। अब मेन मेन लीडर्स आएंगे तो उसके साथ ही तो आ ही जाएंगे, लेकिन मेन लीडर अगर राइट टाइम मीटिंग को ज्वाइन करते हैं तो मतलब ही नहीं होता कि आपके लीडर आपसे पहले ज्वाइन कर ले। वो तो अपलाइन को सर्च करते हैं पहले, आप मीटिंग में हो कि नहीं, आप मीटिंग में हो तो वो लोग आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। हैवी प्रमोशन दिशा ट्रेनिंग, है ना। दिशा का भी हमारे पास 1 महीना बचा है, अभी से पेमेंट कलेक्शन स्टार्ट कर दें, लेना स्टार्ट कर दें। अभी जो 19 वाला बैच आ रहा है वो अपने बैच के अकॉर्डिंग पेमेंट स्टार्ट कर दें, और 9 जून का बैच है उसके अकॉर्डिंग अपने लीडर्स जो भी हैं वो अपना उसको लेना स्टार्ट कर दें। एडवांस प्लानिंग डे एंड वीक मोर रिजल्ट, आप इस पर थोड़ा फोकस करोगे एडवांस प्लानिंग में तो क्या रहता है, जैसे कल की हमें प्लानिंग करनी और आज ही कर लोगे तो उसका रिजल्ट ऑटोमेटिक हमें आएगा ही आएगा, कल का दिन आपका वेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्लानिंग सेट सेट नहीं करोगे तो कल का दिन आपका डेफिनेटली वेस्ट ही जाएगा, उस पर थोड़ा फोकस करें। उसके बाद में बहुत सारे और भी स्टेप्स हैं जो कि मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, जैसे बुक रीडिंग्स डेली मिनिमम 20 से 30 मिनट, है ना। मैंने बहुत स्टडी की है, जब भी आप इतना एजुकेशन लिया, अभी बुक में हम पढ़ते थे, बुक में इतना मन नहीं करता था पढ़ने का, लेकिन 10 मिनट 20 मिनट पढ़ते हो लगातार, 10 मिनट 20 मिनट 10 मिनट 20 मिनट, तो आपको एक दिन ऐसा आएगा कि आप बुक रेगुलर आप पढ़ोगे और बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी समझ में आएगी जिसके माध्यम से आप कंटिन्यू बुक पढ़ना स्टार्ट कर दोगे और आपको उसमें लाभ मिलेगा। डेली रिपोर्टिंग, कॉल टू अपलायंस, ये कुछ चीजें होती हैं ये कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो जाती हैं लीडर जब कोई दिक्कत में होता है, या फिर लीडर्स काम नहीं कर पाता, या लीडर्स के साथ में लीडर्स भेजता नहीं है, इसको थोड़ा सुधार है। इसमें कई लीडर नहीं भेजते रिपोर्टिंग तो ऊपर भी नहीं पहुंच पाती है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा ध्यान दें। अभी हमारा मिशन है, ये 3 मिशन है हमारे पास में, है ना, प्रेजेंट में चल रहा है हमारा। सबसे पहले दिशा, दिशा मैंने बोला ना मैं शिमला नहीं जाता, नितिन गुरु जी और अमित गुरु जी नहीं लेके जाते, तो आज कहाँ होता, है ना। होता तो हूँ, टीचर होता, अच्छे लेवल का होता, लेकिन सिर्फ सब में नहीं होता, और अगर होता अभी तो मैं काम नहीं कर रहा होता उस हिसाब से। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, दिशा पे पूरा फोकस करें, और इस पर आप काम करोगे तो और बेस्ट रहेगा आपके लिए, है ना। दूसरा टारगेट है, टारगेट हमारा काम करने का, है ना, आप इसको टारगेट पे फोकस तो टारगेट भी आपका हो जाएगा। और तीसरा रैंक, तो हमारा लक्ष्य क्या है, पहले तो हमें दिशा को पूरा फोकस करना है, दिशा पर पूरा टारगेट ठोकना है, दिशा में लोग भरने। दूसरा हमारा जो लक्ष्य चल रहा है अभी, टारगेट तक दिशा तक लोग आप रैंक करके आ सकते हो, टारगेट करके आ सकते हो, और टारगेट करके आओगे गुरुदेव के माध्यम से वहां सरप्राइज आपको इंतजार कर रहा है, तो इस पर फोकस करें। और रैंक अभी नहीं तो कभी नहीं, इस पर फॉर्मूला पर याद कर लें, रैंक अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर रैंक को अगर आप ये मान के चलोगे अभी नहीं कभी नहीं, तो आप उसको फायदा उठा लोगे बाद में, तो वही होगा कि आप पछताए हो तका चिड़िया चुग गई खेत, रैंक खत्म हो जाएंगे, या फिर गुरु जी से बोलोगे मेरा इतना नुकसान हो गया, मेरा इतना बैलेंस था। तो इस पर अभी से ध्यान दे लें, अभी तो आप जो भी चाहो वो कर सकते हो और जो भी चाहो हो जाओगे, लेकिन होगा कैसे वो मैं आपको क्लियर एक वीडियो के माध्यम से और क्लियर कर देता हूं। कर्म के अकॉर्डिंग हमारे साथ, हमारे हर तरह के लीडर हमारे साथ में है ना, हर तरह के लीडर्स हैं। आप देख रहे होंगे एक लीडर ऐसा आया है जिसका धुआंधार रिजल्ट आ रहा है, एक लीडर ऐसा रिजल्ट, तो मीने वो प्लान फॉलोअप ज्यादा कर रहा है, प्लान फॉलोअप ज्यादा हो रहे हैं, एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, मीटिंग में लोग ज्यादा आ रहे हैं, दिशा में लोग ज्यादा आएंगे, और एक रिजल्ट नहीं है तो उसमें एक ही चीज है, एक्टिविटी कम है और लोगों का प्रमोशन कम है। तो इस पर पूरा फोकस करें कि अगर हम लोगों का रिजल्ट है तो फर्क ये नहीं पड़ता हम कैसे हैं क्या है, आप नंबर ऑफ एक्टिविटी फोकस करोगे तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक आएगा ही आएगा। कि विजुलाइजेशन से आप विजुलाइजेशन सेट करें पूरा, कि आपके साथ में सारी चीजें हैं और आप अचीव कर रहे हो उसे, बोर्ड रूम में जो भी सेट कर रहे हैं, बहुत सारे लीडर ने पहले किया भी था, हमने भी किया था, लेकिन हमने भी बीच में बनाया था, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि जब चीजें हम लोग भी भूल जाते हैं। अभी हम लोगों ने पूरा विजन सेट करेंगे, ऐसे करके पूरा बना सकते हो, जहाँ पे आपको जो भी चाहिए एक विजन बोर्ड बनाओ और आप विजुलाइज सेट करो, और जो आप बार बार सोचते हो वो पक्का हो जाता है। और मैंने आपको जो भी सारी चीज बताई वो कहीं ना कहीं जो हमारे मेंटर्स ने और गुरुदेव ने सिखाई हुई है,
तो मैंने भी उन्हीं से जो सीखा है, जो मैं आपको आज बताया है, और जो भी चीज़ आपको अच्छी लगी हो तो उनको आप एक्सेप्ट करें, उनको कोई पॉइंट ऐसा लें जिसके माध्यम से टारगेट हिट करें, दिशा को प्रमोशन करें, रैंक हिट करें, और कोई भी चीज़ आपको ऐसी लगे कि जिसके माध्यम से आपको ऐसा लगा कोई अलग चीज़ है वो मेरी होगी, उसे ऐसे भूल मान के क्षमा करें। तो अभी मीटिंग को मैं बस अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा, और थैंक यू गुरुदेव, आपने अभी समय दिया इसके लिए आपका लाख लाख शुक्रिया, और अभी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड गुड आइम साथ। जय। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, ग्रेट, दमदार।